नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कल 30 जनवरी को मतदान होने जा रहा है। आज जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान मत पेटी व अन्य सामग्री के साथ रवाना हो गए। इससे पूर्व उन्हें चुनाव से संबंधित सभी ट्रेनिंग दी गई तथा चुनाव आयोग के निर्देश का कड़ाई से पालन करने के आदेश चुनाव निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे ने दिए है। इस दौरान चुनाव निरीक्षक पंकज कुमार ने सामग्री वितरण स्थल पर भेंट देकर जायजा लिया। इस समय प्रभारी जिलाधिकारी अविशांत पंडा, उप जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे, उप विभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी व राम लंके आदि उपस्थित थे। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालकेड़े के पार्थिव पर आज हिंदू स्मशान भूमि में अंत्य संस्कार किया गया। इस समय राज्यपाल व शासन की ओर से विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे, प्रशासन की ओर से प्रभारी जिलाधिकारी अविशांत पंडा, विद्यापीठ के प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर विजय कुमार चौबे, कुल सचिव डॉक्टर तुषार देशमुख ने पुष्प चक्र अर्पित किया। अमरावती की सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा, विधायक रंजित पाटिल, विधायक सुलभा खोड़के ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय विद्यापीठ के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी समेत विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती जिले के नागपुर रोड स्थित तिवसा मार्ग पर आशीर्वाद बार के पास अमरावती से तिवसा की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रेलर ने मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोपेड सवार शिरखेड़ ग्राम निवासी छत्रपति दौलतराव भोकरे नामक व्यक्ति की मौत हो गई। बेकार हुई वस्तुओं से राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज का पुतला साकार किया गया। जिले की पूर्व पालक मंत्री व तिवसा विधानसभा क्षेत्र की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर की पहल पर यह पुतला निर्मित किया गया। इस पुतले की ऊंचाई 20 फुट और चौड़ाई 15 फुट है। इस पुतले का वजन 5 टन बताया जाता है। जल्द ही यह आकर्षण का पुतला स्थायी जगह पर स्थापित करने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा, ऐसी जानकारी यशोमती ठाकुर ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि संत गाड़गे बाबा का भी भव्य पुतला जल्द साकार करने का काम शुरू किया जाएगा। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज का पुतला मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट के डीन विजय सपकाल, विजय बोदरे, मास्टर ऑफ आर्ट प्रकाश गायकवाड़ नागपुर, यवतमाल के सुहास भीमनकर, यूसुफ अंसारी, शाबाद अंसारी, मोहम्मद तुफेल नामक विद्यार्थियों ने मिलकर यह पुतला साकार किया है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के राजेश बिग सिनेमा के पीछे गुलशन टावर के पास स्थित निखिल बाहिती के गोदाम में पिछले ग्रिल को तोड़कर अज्ञात चोर ने 2,96,000 रुपए मूल्य का इलेक्ट्रिक माल चुरा लिया था। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात चोर जैन मुका भोसले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी का पूरा माल बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है।
कुछ दिन पूर्व बडनेरा थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कंपनी में लोहे का माल चोरी हुआ था। इसकी तहकीकात करते समय पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुरानी बस्ती बडनेरा के पांच बंगला राठी नगर में रहने वाले कुख्यात चोर आकाश वाघमारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने आरोपियों के पास से ऑटो, क्रेप जैक, होल्डिंग पाइप आदि समेत 1,84,600 रुपए का माल बरामद करने में सफलता पाई है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। जोशी कॉलोनी डागा सपायर निवासी विनोद चांडक जब सुबह सोकर उठे तो मोबाइल का मैसेज देखते उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने तीन बैंकों से उन्हें मैसेज प्राप्त हुआ कि किसी व्यक्ति ने उनके खाते से 5,74,000 निकाल लिए। चांडक ने किसी भी व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी अथवा ओटीपी शेयर नहीं किया। इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। नानगांवपेट थाना क्षेत्र के गुरुकृपा कॉलोनी निवासी विशाल मोरे ने पुलिस में दर्ज की शिकायत के अनुसार उन्हें किसी मोबाइल से फोन आया। मोबाइल धारक ने एक लिंक भेजी और अपने आप को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताते हुए सारी हकीकत हासिल की। उसके बाद तीन चरणों में उनके बैंक खाते से 1,50,000 रुपए निकालकर धोखाधड़ी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। नानगांवपेट थाना क्षेत्र के बोरगांव धर्माले के पास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने गए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आने वाले आमला निवासी आर्यन अनिल कश्यप नामक युवक की दुपहिया स्लिप हो जाने से आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत होगी। नानगांवपेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।